लें जी दोस्तों, हम पहुंच गए भावलपुर रेलवे स्टेशन पे और सबसे पहले हम अपनी बाइक को जो है पार्किंग पे करेंगे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो अपनी गाड़ी अपनी बाइक को ज़रूर पार्क किया करें प्रॉपर, ताकि किसी किस्म की चोरी वगैरह वारदात से आप बच सकें और आप सेफ एंड साउंड रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था कि हम वीलॉग बना रहे हैं आज भावलपुर स्टेशन का, जो कि एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया गया है। और आप इस वक्त देखिए, मौसम इतना प्रेजेंट है और इतना ज़बरदस्त है कि ये तो आज जो रेलवे स्टेशन है भावलपुर का, ये एक पिकनिक प्लेस लग रहा है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें इस वक्त पूरा व्यू हमारे इस मॉडर्न स्टेशन का, भावलपुर स्टेशन का, जो कि एक कदीम सकाफ़त का एक मुँह बोलता सबूत है, जिसको पिछली हुकूमत में दोबारा से रेनोवेट किया गया और इसको एक मॉडल के तौर पे पेश किया गया। और अब हम आपके हमारे साथ रहे हैं इस चैनल पे और हम आगे चलते हैं, आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। शायद मेरे ख्याल में इस वक्त एक ट्रेन भी आई हुई है और सबसे पहले अब हम जाएंगे टिकट घर पे, जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म परचेज करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू। जी देखें, जैसा कि हमारे सामने इस वक्त ग्रीन लाइन है और हम इस वक्त आप देख सकते हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन, जो कि एक मॉडल रेलवे स्टेशन है। और इस वक्त ग्रीन लाइन जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, और अभी ये कराची से आ रही थी और अभी ये लाहौर की तरफ गामजन है। आप देख सकते हैं बहुत स्लोली ये स्टार्ट हुई है और ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 6 से 7 घंटे में इंशाल्लाह लाहौर स्टेशन पर होगी। तो आप देखें इस वक्त ये हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं अपने चैनल के सोर्सेज से कि भावलपुर में ग्रीन लाइन का स्टॉप है और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त एक व्यू आ रहा है। जिस तरह से ट्रेन स्लो स्लो चल रही है, मेरा दिल खुद कर रहा है कि मैं भी इस ट्रेन में बैठूं और अभी लाहौर पहुंच जाऊं। जी मेरे साथ इस वक्त मेरे कज़न उमैर शहज़ाद हैं, जो मेरे साथ ये इस व्लॉग का हिस्सा हैं। इन्होंने कैमराग्राफी भी की है, एडिटर भी हैं और मेरे बहुत क्लोज़ बडी भी हैं। तो उमैर से पूछते हैं, उमैर आपको कैसा लग रहा है इस वक्त भावलपुर का जो मॉडल रेलवे स्टेशन बना है, क्योंकि आप तो बहुत अरसा दुबई में रह कर आए हैं गल्फ में, तो आप बताएँ भावलपुर में जो चेंजिंग हुई है, एक नया एक स्ट्रक्चर बनाया, आपको कैसा लगा है भावलपुर रेलवे स्टेशन? ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं दुबई होके आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन जो यहाँ की हमारी फूड्स हैं और उसके अंदर जो है ना इनोवेशन आती है, उसकी एक अलग ही जो है ना खुशी होती है। तो जो इधर का एक हमारा एक देसी इन्वायरमेंट है, एक लुक आती है, तो वो चीज़ जो है ना वो आपको बाहर जाके कहीं भी जो है ना किसी और कंट्री में वो चीज़ नहीं मिलती। तो देख के खुशी हुई कि काफ़ी अर्से बाद जो है ना हमारा माशाल्लाह जो ये भावलपुर का रेलवे स्टेशन था काफ़ी डेवलप हो गया है और जो है ना एक कंस्ट्रक्शन एक उनका जो है ना हमारा एक यहाँ का कल्चरल एक डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हुए जो हमारे नवाब। अगर ये कैमरामैन थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाएं तो ये व्यू दिखाएं पूरा, और पीछे से ट्रेन की पटड़ी भी दिखाएं किस तरह से है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, उमर आपने बताया कि वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आप जो वापस लौट कर अपने वतन में आए हैं तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिला होगा, लेकिन अपनों का प्यार ज़ाहिर है वहाँ पे मिस करते होंगे। बाकी वो चीज़ जो आपको अपनापन है ना, वो एक हॉस्पिटैलिटी जो चीज़ यहाँ में मिलती है ना वो वहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है, लेकिन जो एक प्योर मतलब जो है ना अभी रिलेशन होता है या एक आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है दिल से और लोग जो हैं बहुत वेलकमिंग हैं, वो चीज़ आपको बाहर जो है ना नहीं मिलती इस तरीके से। तो ये चीज़ बहुत मैं मिस करता था वहाँ भी, और यहाँ के बड़ा मैं मतलब जो है इन्जॉय कर रहा हूँ। अब तो मैं छोड़ा हूँ उधर से, तो फुल ऑन मैं इधर ही हूँ और अपनी सिटी में हूँ और मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। और जो है ना अपने बल्कि दोस्त हैं बाहर, उनसे भी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, वो भी बहुत इस चीज़ को जो है ना एडमायर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। चलें उमर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपने मेरे साथ रहना है ज़रूर। और नेक्स्ट हमारा वीलॉग बनेगा, वो सरप्राइज़ है हमारी ऑडियंस के लिए कि वो किस जगह का है, वो हम नेक्स्ट वीलॉग में ही बताएंगे। अपना सब बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। जी व्यूअर्स,
तो उम्मीद है आपको भावलपुर रेलवे स्टेशन अच्छा लगा होगा। इस वक्त हम एक तारीखी कदीमी हम इस वक्त ब्रिज पर हैं, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का इस वक्त ये पुल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम अच्छा होने की वजह से ग्रीनरी भी बहुत खूबसूरत लग रही है और स्टेशन का व्यू भी बहुत अच्छा है। और अपने होस्ट एसएम को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में किसी नेक्स्ट प्लेस पे। अपने दोस्त एहसन रिजवी को इजाज़त दें, एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आल्सो लाइक माय ऑल वीडियोस, एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। मौसम बहुत अच्छा है।